सर्दियों में अगर चावल के साथ एक गर्मा गर्म सब्जी मिल जाए ना तो आपका दिन बन जाता है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ लोबिया, यानी कि जिसको हम लोग सिंधी में बोलते हैं रांझी भाजी। ये मैंने 1 बाउल रात को पानी में ही भिगो के रखा था। अब एक जार में मैं डाल रही हूँ 4 मीडियम साइज टमाटोस, 1 ग्रीन मिर्च और थोड़ी सी अदरक। अब इसको मैं करूँगी ग्राइंड। फिर मैंने ले लिया एक कुकर जिसमें मैंने 1 kV ऑयल ऐड की। फिर मैंने उसमें ऐड किया 1 स्मॉल टीस्पून जीरा एंड 2 इलायची। ऐड करेंगे ग्राइंड किया हुआ टमाटो। फिर ऐड करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टीस्पून हरा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर एंड पिंच ऑफ हल्दी, अकॉर्डिंग टू टेस्ट रेड मिर्ची पाउडर। टमाटो प्यूरी और मसालों को मिक्स करना है 2 मिनट्स के लिए और फिर उसको मीडियम फ्लेम पे रख देंगे कि वो अच्छे से बॉयल हो जाए। जैसे ही साइड से ऑयल आना स्टार्ट हो जाए उसमें ऐड करेंगे 5 to 6 कारी लीव्स। थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें ऐड किया 1 स्मॉल स्लाइस ऑफ अमूल बटर। अब इसको मिक्स करेंगे 5 मिनट्स के लिए। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बिग बाउल लोबिया जिसको मैंने रात को भिगो के रखा था और सुबह अब वॉश करके मैं इसकी सब्जी बना रही हूँ। 5 मिनट्स के लिए मिक्स करेंगे। फिर मैंने इसमें ऐड किया कट किए हुए 2 बॉयल्ड पोटैटो स्मॉल साइज। अगर आप इसमें रॉ यानी कि कच्चा पोटैटो अगर आप इसमें ऐड करोगे तो वो इतनी टेस्ट अच्छी नहीं आती है जितनी बॉयल्ड आलू से। अब इसको मिक्स करेंगे 5 to 10 मिनट्स। सब्जी को मिक्स करना यानी कि भूनना, और जितना आप इसको मिक्स करोगे उतनी टेस्ट अच्छी आती है। फिर मैंने इसमें ऐड किया 1 ग्लास वाटर। अब इसको मिक्स करेंगे और मुझे इसमें थोड़ा पानी कम लग रहा है तो मैंने इसमें 1 ग्लास ऑफ वाटर और ऐड कर दिया। मिक्स करेंगे और यहीं पे आप सॉल्ट और रेड मिर्ची की टेस्ट चेक कर सकते हो। अगर आपको कम लग रहा है तो आप ऐड कर सकते हो। कुकर को लिड से कवर करेंगे एंड डोंट वरी, टमाटोज के वजह से कुकर थोड़ा डेकोरेट हो जाएगा। 2 विसल्स लगने तक हम वेट करेंगे। 10-15 मिनट्स के बाद कुकर ओपन किया मैंने और देख रही हूँ कि सब्जी रेडी है। अब चेक कैसे कर रही हूँ मैं इसको, रां को या लोबिया को आप करछी में लोगे और उसको हल्का सा प्रेस करके देखोगे, अगर वो टूट रहा है दैट मींस रेडी है, नहीं तो आप और एक विसल लगा सकते हो और फिर कोरिएंडर से गार्निश करेंगे। तो गाइस रेडी है लोबिया यानी रांझी भाजी। तो मेरा तो लंच रेडी है, आप कभी बना रहे हो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आप यही प्रोसेस फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आप इन सर्दियों में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सब्जी खाने वाले हैं। तो आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है और ये वीडियो आप किस प्लेस से देख रहे हैं मुझे कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन खाओ पियो खुश रहो।